सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। केंद्र दे तीन खेती कानूनों नूं लैके दिल्ली दे बार्डर घेरी बैठे किसानां नाल डील करन नूं लैके भारत दी केंद्र सरकार दे वल्लों तीन नीतियां अपनाईआं जा रहीआं ने, पर किसानां दे वल्लों इन्हां तिन्ने नीतियां नूं लगभग फेल कर दिता गया। आखिर की ने इह तीन नीतियां अते किवें किसान जथेबंदियां किसान इन्हां नूं फेल करदे दिखाई दिंदे ने, तुहानूं सारी जानकारी देण जा रहे हां। सब तों पहलां गल करदे हां केंद्र सरकार दी किसानां नाल डील करन दी पहली नीति तो, जिस दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों गल्लबात जरिया अपनाया जा रहा है तां जो गल्लबात करके इस किसानी अंदोलन नूं खत्म कीता जा सके। पर इस दे विच वी कई तरह दे सवाल उठदे दिखाई दिंदे ने कि आखिर सचमुच ही केंद्र सरकार किसानां दे नाल गल्लबात करना चाहुंदी वी है जां फिर नहीं, क्योंकि जिहड़ा आखिरी सद्दा केंद्र सरकार दे वल्लों भेजिया गया है उस नूं लै के किसान जथेबंदियां कई तरह दे सवाल चुकदियां दिखाई दिंदियां ने। सवाल चुकदिया उन्होंने केंद्र सरकार का यह सद्दा भी ठुकरा दिता है, क्योंकि किसानों का कहना है कि यह किहोजिहा सद्दा होया, ना तो इस तरीक दसी गई है, ना दसिया गया है कि मीटिंग किस दे नाल होनी है, ना ही यह दसिया गया है कि किस किस नूं सद्दा भेजा गया है। इस करके सद्दे दे विच कुछ भी नवा भी नहीं है, उही पुरानियां गल्लां कीतियां गईआं ने। किसान आगू कहिंदे ने कि कोई चंगा जिहा प्रपोजल बना के भेजो जिस नूं एजेंडा बना के मीटिंग की जा सके, पुरानियां गल्लां करन दा कोई भी फायदा नहीं है। इस तरह गल्लबात दा जिहड़ा रवैया अख्तियार किया जा रहा है केंद्र सरकार दे वल्लों उस नूं पूरी तरह नाकाम कर दियां किसान जथेबंदियां दिखाई दिंदियां ने। एक नीति हो गई है गल्लबात वाली जिस नूं किसान जथेबंदियां फेल कर रही ने, क्योंकि गल्लबात भी उस एजेंडे ते नहीं हो रही है जिस एजेंडे ते किसान करना चाहते ने कि खेती कानून रद्द करोगे जां फिर नहीं करोगे। इस एजेंडे ते केंद्र सरकार मीटिंग नहीं करना चाहती है। पहली नीति किसानों दे वल्लों पूरी तरह केंद्र सरकार की फेल कर दी गई है। दूजी नीति केंद्र सरकार दे वल्लों ये अपनाई जा रही है कि कुछ किसान तां कुछ क्यों लखां दी गिणती विच किसान बार्डरां ते बैठे खेती कानूनां दा विरोध करी जांदे ने, रोज़ अंदोलन तगड़ा होई जांदा है, होर गिणती वधदी जांदी है। उधर दूजे पासे कुछ कोई किसान संगठन केंद्र सरकार दे नाल मुलाकातां करके उन्हां नूं मंग पत्र देई जांदे ने कि इन्हां कानूनां नूं वापस ना लिओ, ये खेती कानून बहुत वधिया ने। जेकर कल दी गल करिए तां इक होर संगठन ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल मुलाकात की है ते एक मंग पत्र भी सौंप दिता है। एक संगठन है CNRI कन्फेडरेशन ऑफ NGOs ऑफ रूरल इंडिया नाम का यह संगठन है जिन्हां दे वल्लों नरेंद्र सिंह तोमर नूं एक मंग पत्र दिता गया है। आखिर उस मंग पत्र दे विच मंग की कीती गई है, नरेंद्र सिंह तोमर का बयान तुहानूं सुना दिंदे आ। किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी यह चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। सिर्फ यही नहीं, इस तो पहला भी बहुत सारे संगठन खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात करके उन्होंने अजिहे ही मंग पत्र सौंप चुके ने, पर यह रणनीति भी किसानों दे वल्लों फेल की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच किसानों ने केंद्र सरकार नूं ताड़ना की है कि साढ़े अंदोलन नूं ढा लाने की कोशिश ना करो, जान बुझ के तुसीं अजिहियां किसान जथेबंदियां अगे लिया रहे हो जिन्हां दा साढ़े नाल भाव अंदोलनकारियां दे नाल कोई भी संबंध नहीं है। किवें ताड़ना की है किसानों ने गुस्से विच आके केंद्र सरकार नूं, तुसीं आप ही देख लो। सरकार तथा कथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है।
दरअसल केंद्र सरकार दे वल्लों इन्हां किसान संगठनां तों मंग पत्र लैके दसण दी कोशिश यह की जा रही है कि जिहड़े दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ने अंदोलनकारी उन्हां दी गिणती बहुत घट है अते बहुत सारे किसान देश दे विच अजिहे वी ने जिहड़े कि खेती कानूनां दे पक्ष विच ने। CNRI ने तां कह दित्ता है कि यह सरकार जिहड़ी है केंद्र दी सरकार यह बहुत ईमानदार है, बहुत कर्मठ है, प्रगतिशील है। काफ़ी तरीफां इन्हां ने अपने मंग पत्र दे विच वी कीतियां ने। शुरुआत दे विच ही जदों भारत सरकार दी तरीफा इन्होंने अपने मंग पत्र विच कर दित्तियां उदों ही साफ हो गया कि इन्होंने पूरी तरह समर्थन केंद्र दी सरकार नूं दे दिता है। इसे करके ही संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों अंदोलनकारियां दे वल्लों इन्हां नूं भाजपा दे संगठन भी कहा जा रहा है। जेकर गल करिए तीजी नीति की जिहड़ी कि भाजपा दे वल्लों बहुत खतरनाक तरीके नाल लागू की जा रही है, सब तो खतरनाक नीति यही है। दो नीतियां फेल हुंदियां दिखाई दिंदियां ने, गलबात वाली अते अपने किसान संगठन खड़े करन वाली। तीजी नीति बहुत खतरनाक है। तीजी नीति दे विच भाजपा लीडरां दी ड्यूटी लगी हुई है कि एक तो बाद एक अजिहे बयान देने ने तां जो बाकी जो देश दे लोक ने उन्हां नूं इंज लगे कि जिहड़े भी अंदोलनकारी बार्डरां ते बैठे ने ओह किसान ही नहीं, वो अतवादी ने। आए दिन ही कोई ना कोई नवा बयान किसी नवे भाजपा लीडर दे वल्लों दे दिता जांदा। ये कोई नक्सली कहिंदा है, खालिस्तानी कहिंदा है, माओवादी कहिंदा है, पाकिस्तानी कहिंदा है, चाइनीज़ भी कह दिता गया है चाइना तो पैसा आ रहा, कोई कहिंदा कनेडा तो पैसा आ रहा। तो दिनेश शर्मा दे वल्लों भी एक नवा बयान दे दिता गया, चंडीगढ़ पहुंचे सन भाजपा के संगठन मंत्री ने, विवादित बयान उन्होंने दे दिता कि जेडे भी इस वेले अंदोलनकारी बार्डर से बैठे ने वो किसान नहीं। कहिंदे ने तीन लोग इकट्ठे होए ने, पहली गल तां कामरेड इकट्ठे होए ने, दूजी गल नक्सली इकट्ठे होए ने, अते तीजी गल तीजी धिर जिहड़ी है वह खालिस्तानी उत्थे बैठे हुए ने। यह विवादित बयान दिनेश शर्मा दे वल्लों दिता गया, जिस तों बाद पंजाब दी सियासत दे विच वी भाजपा की किरकिरी हुंदी दिखाई दिंदी है। आम आदमी पार्टी के सुनाम तो विधायक अमन अरोड़ा दे वल्लों दिनेश शर्मा दे इस बयान की निखेधी की गई है। देखो मैं समझदा कि जिस तरीके दे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा है कि दिल्ली दे बरूहां दे उपर किसान नहीं बैठे हैगे, वह नक्सली कामरेड या खालिस्तानी बैठे ने, इस तों शर्मनाक गल कोई नहीं हो सकती हैगी। किसान है जिहड़ा वह पूरे मुल्क का पेट भरता, और उस समय अज तो 60 साल पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ने अपने खून पसीने की कमाई के नाल भुखे मरते मुल्क नूं जे किसी ने पेट भरिया तो पंजाब के किसान ने भरिया। तो अज सिर्फ और सिर्फ आपकी शीर्ष केंद्र की लीडरशिप को खुश करने के लिए किसानों इस तरीके के नाम नाल बुलाना मैं समझता कि अत्यंत मंदभाग है। शायद इन लीडरों को पता नहीं है कि किसान ने जिहड़े वह अपनी मेहनत मुशक्कत के नाल जिस तरीके इन्ना लंबा समा आपके घर बार खेत छड़ के इन्ना लंबा समा संघर्ष कर रहे हैं, शायद हुण तक तो दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन है जिहड़ा वह साबित हो चुका है। और इन्ने सबर संतोख ठरमे दे नाल सबर दे नाल जबर का मुकाबला करना जिहड़ा वह इस अंदोलन दे विचों पूरी दुनिया सिख रही है। इसलिए इन्ने शांतिपूर्वक अंदोलन नूं अन्नदाता किसान नूं अतवादी या खालिस्तानी या नक्सली कहना इस तो शर्मनाक गल कोई नहीं हो सकती हैगी। बीजेपी नूं अजिही बयानबाजी तो गुरेज करना चाहिए और किसानों तो माफ़ी मंगनी चाहिए है। इस तरह भाजपा के वलों किसानी अंदोलन नाल डील करन दे लई तीन मुख नीतियां अपनाइया जा रही ने, पर यह तीनों नीतियां ही किसानों के वलों फेल कीतियां जा रही ने। जिहड़ी तीजी नीति है सब तो खतरनाक, इस नूं किसान किवें फेल कर रहे हैं। किसानों के अंदोलन के इकट्ठ लगातार वाधा दिखाई दिता है, एक तो बाद एक सूबा इन्हां किसानों के अंदोलनकारियों की हमायत में आता दिखाई दिता है। हुण शायद ही देश का कोई अजिहा सूबा होवे जिथों आ के किसान दिल्ली के बार्डर से नहीं बैठे, भावें कि यूपी के किसानों से योगी सरकार के वलों लाठीचार्ज भी करवाया गया, पर उतों के किसान इन्ने ज़्यादा तत्पर सन कि वह किस न किस तरीके दिल्ली के बार्डर से पहुँच चुके ने, बिहार तक भी पहुंच बना ली है इस किसानी अंदोलन ने। आते आने वाले दिनों में बिहार के किसान संगठन भी दिल्ली वालू कूच कर सकते हैं। इस तरह केंद्र सरकार की लगातार कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इस किसानी अंदोलन खत्म किया जा सके, पर किसान जथेबंदियां अपनी मांग से अड़िया हुई ने कि असी तो यह खेती कानून रद्द करवा के ही वापस जावांगे। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी आया है कि उन्होंने पूरी उम्मीद है कि नवा साल चंगी तरह चढ़ेगा, नवे साल तो पहला पहला यह किसानी अंदोलन खत्म कर दिता जाएगा, पर किवें किया जाएगा इसका खुलासा नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों अजे तक नहीं किया गया है कि तिना नीतियां दे विचों किस नीति दे नाल वो इस किसानी अंदोलन नूं खत्म करनगे। एक सवाल तुहाडे कोलों पुछ लैणा चाहुंदे आ, जिवें दीआं रणनीतियां इस वेले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वल्लों अपनाईआं जा रहीआं ने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।